फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था सोल्व करना। इस क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी साइड आपकी 12 है, ठीक है। तो आपको इस वाले रीजन का एरिया आपको 12 दिया हुआ था, ये जो बाउंड्री के अंदर है इसका 12। आपको ये रीजन, लेट ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। आपको इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना था कि कितना है, ठीक है। चलिए करते हैं, आसान है काफ़ी, ठीक है। इसमें दो तरह के कंसेप्ट आपके यूज़ होंगे, ठीक है। एक कंसेप्ट तो ये है कि आपकी दो पैरेलल लाइन है, मैंने कितने बार आपको बताया है, ठीक है। इसके बीच में आप सेम बेस पर जितने मर्जी आप ट्राइंगल बना लीजिए, सॉरी सेम बेस पर आप जितने मर्जी ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है। दो पैरेलल लाइन है, सेम बेस पर आप जितने मर्जी ट्राइंगल बना लीजिए, इन सबका एरिया सेम रहता है। तो मैं कह सकता हूँ आपका ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, इसका एरिया और ए बी डी का एरिया सेम है, ठीक है। तो अगर ये एरिया सेम है तो उसमें इतनी चीज़ तो आपकी ये वाली कॉमन ही है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस पार्ट का जो एरिया है, ये वाले पार्ट का एरिया, वो कितना होगा, ए प्लस 12 प्लस सी, ठीक है, इतना ही होगा। बिकॉज ये पार्ट तो आपका कॉमन ही है, तो यानी कि इस चीज़ का एरिया आपका इतने के सम के बराबर है। और आपको एक और प्रॉपर्टी पता होगी कि आपके पास एक स्क्वायर है इस या पैरेललोग्राम है, इसके अंदर आप कोई ट्राइंगल ड्रा करते हो, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है इस पूरे वाले स्क्वायर के हाफ होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वेयर, ठीक है। बहुत बार मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, बस वही तो यूज़ होना था यहाँ पे। यानी कि मैं कह सकता हूँ आपका ए, सॉरी 12 ये जो ट्राइंगल के अंदर है, प्लस एफ प्लस बी प्लस सी, ठीक है, सॉरी सी नहीं आएगा आपके पास, 12 एफ 12 बी और ई, ठीक है, प्लस ए प्लस 12 प्लस सी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ये जो पूरा आपका स्क्वायर है, 12 इंटू 12 ये 72 हो गया, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये आपका 24 हो गया, 24 इधर माइनस कर दीजिए, आपके पास बचा क्या, आपके पास क्या बचा इसमें, आपको ए प्लस एफ प्लस बी प्लस ई प्लस सी, यही नहीं आ गया, 3 4 5, ठीक है। तो इसका एरिया आपका कितना आ गया, 48, यही मेरा क्या था, इसका आंसर था, ठीक है। सिर्फ दो कंसेप्ट आपके यूज़ होने थे, वही मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन था, कह रहे हैं इसको एन टर्म तक सम करें तो 210/41 आता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन, एन क्या होगा, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इस तरह की जब भी आपकी सीरीज़ हो जिसका डिफरेंस आपका सेम है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, सॉरी जो इनका डिफरेंस होता है वो हम आगे लिखते हैं, तीन का स्क्वायर 9, ठीक, प्लस अप टू एन टर्म इज इक्वल टू 210/41। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप हाफ कॉमन निकालिए, हाफ कॉमन निकालने के बाद ये 1/(1-3) प्लस में आपके पास ये कितना बचा, 4/3-4/5, ठीक है, प्लस में ये 9/5-9/7, ठीक है, एंड अप टू सो एन अप टू, अब यहाँ पे देखिए ये आपका एन स्क्वेयर हो गया अपॉन में, अब आगे ये देखिए यहाँ पे एन स्क्वेयर माइनस में 2n+1 इज इक्वल टू 210/41। देखिए कोई भी यहाँ पे मैं आपको रट्टे वाली चीज़ नहीं बताऊँगा, यहाँ पे देखिए आपका 1
प्लस वन, क्योंकि इसको जब करोगे तो आपका 3 बाय 3 बनेगा, वो 1 आएगा। 9 में से 4 गए, 5 बटा 5 1, एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस के एन स्क्वेयर ओवर में 2n प्लस 1, ये आपके पास आ गया, विच इज़ इक्वल टू 210 ओवर में 41। देखिए यहाँ पे कोई भी रट्टे वाली चीज़ नहीं है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ मैंने किया क्या है। यहाँ पे 1 स्क्वेयर ओवर 1 × 1/3, 2 स्क्वेयर, सारे में ये 1 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर, ये तो चलो अलग ही लिख लिया मैंने, 2 का स्क्वेयर 4 हो गया। ठीक है, अब 1 ओवर में 1/3, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता था, इनका डिफरेंस देखिए कितना है, 2, तो 1/2 ओवर में 1 ओवर में 1 माइनस 3। इस चीज़ को जब आप खोलोगे तो आपको यही बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सभी लिख लिए, फिर उसके बाद इसको आगे एक्सपेंड कर लिया। अब यहाँ पे आप देखिए, इट इज़ अप टू एन टर्म्स तक है, ठीक है, ये आपका जो है वो एन टर्म्स तक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये एन टर्म्स तक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो एक टर्म है, ये आपकी दो टर्म है, ठीक है, ये आपकी तीन टर्म है, ठीक है, इसकी आपकी जो फर्स्ट वाली टर्म है वो इंडिविजुअल वन बना रही है, ठीक है, इंडिविजुअल वन बना रही है, और इसका आपका लास्ट वाला जो है वो बच रहा है। ठीक है, जो हमारा एन है इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, एन स्क्वेयर ओवर में ये आपका कितना आ गया, एन स्क्वेयर ओवर में 2n-1, ठीक है, हाफ माइनस के एन स्क्वेयर ओवर में 2n+1, ठीक है, यही होगा, मतलब लास्ट में आपका यही लिखा होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये वाली चीज़ तो जो होगी वो इससे पहले वाले के साथ कंज्यूम होगी, ठीक है, जिस तरह से ये आपकी अगर ये लास्ट टर्म है तो ये इसके साथ कंज्यूम हो रही है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी, तो हर चीज़ में आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने एन टर्म्स हैं, ठीक है, एन टर्म्स में आपकी सारी एडजस्ट हो रही हैं, ठीक है, आपकी सारी जो है वो थोरली एडजस्ट हो रही हैं, ठीक है, सारी आपकी एडजस्ट हो रही है, लेकिन आपके पास बच क्या रहा है, आपके पास ये लास्ट वाली टर्म जो है वो बच रही हैं। अगर आपकी सारी की सारी एडजस्ट हो रही हैं, सपोज़ आपकी यहाँ पे सारे की दो दो पेयर है ना, अब दो दो पेयर में आपके पास जो वन का जो बच रहा है, वन जो आपसे बन रहा है, एक तो इंडिविजुअल इसका बन रहा है वन, एक बाकी इनकी टर्म्स का जो है वो वन बन रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि एन की वैल्यू अगर 5 है, अभी मेरे को नहीं पता कितनी है, ठीक है, तो वो कितने टाइम्स होगा, देखिए वन हाफ तो बाहर निकाल लीजिए, 1 ओवर में 1 माइनस 3 प्लस 4/3 - 4/5 प्लस ये एक बार, ये दो बार, उसके बाद 3 का स्क्वायर, चलिए 3 लिख लेता हूँ मैं, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करता। ठीक है, अब मैं पहली वाली और लास्ट वाली टर्म को बचा देता हूँ, छोड़ देता हूँ, ठीक है, उसके बाद ये ठीक है, ये 1 बना रहे हैं, ये 1 बना रहे हैं, और ये आपका 1 बना रहा है, तो यानी कि अगर मैं इन सारों को ऐड करूं तो वो कितने के बराबर है, एन के ही बराबर है, विच इज़ इक्वल टू 3। मेरे बात समझ में आई होगी आपकी, ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं सिर्फ ये लास्ट वाली टर्म को छोड़ूं, ठीक है, यानी कि ये आपके पास लास्ट वाली इस तरह से लिखी जाएगी ना, ठीक है, इस तरह से लिखी जाएगी, खाली इस चीज़ को छोड़ूं और उनका आपको टोटल 1 1 1 अप टू करूं, ठीक है, तो ये मेरे पास कितने टाइम्स आएगी, ये मेरे पास एन टाइम्स आएगी ऑलवेज। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल आपको दिया ही था, ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया भी है कि इन सबको अगर आप जोड़ो और लास्ट वाली टर्म निकाल दो, ठीक है, तो ये अप टू एन टाइम्स होगा। इस तरह से एन आप अगर 5 भी लोगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये 2 एक और बनेगा, ठीक है, तो वो टोटल आपका 5 बन गया, एन के बराबर ही होगा, यानी कि अगर आप इस चीज़ को काउंट करते हो तो आपका एन ही बनेगा, मतलब 1 1 1 अप टू एन टाइम्स माइनस एन स्क्वेयर ओवर में 2n+1 अपॉन इज इक्वल टू 210 ओवर में 41। देखिए हर चीज़ एक कंसेप्चुअल वे में लिया करो, या उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लिया करो अगर चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं तो, ठीक है, उसके बाद बस आपको इसको सोल्व करना है, इसको जब आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास एन की वैल्यू 21 आ जाएगी, यही मेरा क्या था आंसर। सो तब तक के लिए धन्यवाद, एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब करने में प्लीज़ कंजूसी मत किया करो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले यार, मैं भी अपनी पढ़ाई में से टाइम निकाल करके
आपके लिए दे रहा हूँ, तो एक्सपेक्ट करता हूँ यार कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे। आप लोगों का सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, ठीक है, मैं आपसे कोई वीडियो के पैसे नहीं मांग रहा हूँ, कुछ नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, सो तब तक के लिए धन्यवाद एंड लाइक माई वीडियोज़।